नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनार गेस्ट हाउस में धरने पर बैठी प्रियंका गांधी ने पीड़ित परिजन से मुलाकात की, लेकिन इसके बाद भी प्रियंका गांधी नाराज नजर आईं। उन्होंने कहा कि उनसे मिलने के 15 सदस्य आए थे, लेकिन सिर्फ दो को ही अंदर आने की इजाजत दी गई है और बाकी लोगों को गेस्ट हाउस के बाहर ही रोक लिया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिनसे मिलने के लिए मैं आई थी, अब उन्हें मुझसे मिलने के लिए आना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि कोई भी सोनभद्र पीड़ितों के आंसू पोंछे। उन्होंने कहा कि जो भी हो रहा है वो असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, क्योंकि सरकार अपने पापों को छुपाने की कोशिश कर रही है। यूपी के सोनभद्र में पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने एयरपोर्ट पर रोका, जिसके बाद पूरा प्रतिनिधि मंडल वाराणसी एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा किया मंजूर, राज्यपाल को भेजा। बता दें, सिद्धू और मुख्यमंत्री के बीच लोकसभा चुनाव के दौरान से ही तल्खी चली आ रही है। इससे पहले उनका मंत्रालय भी बदल दिया गया था। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में स्वामी असीमानंद और बाकी आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ पाकिस्तानी महिला ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का किया रुख। हफीजाबाद की रहने वाली राकीला वकील के पिता की 2007 में हुए इस धमाके में मौत हो गई थी। इस ब्लास्ट में 68 लोगों की मौत हो गई थी। राहिला ने यूपी के एक रिश्तेदार के जरिए कोर्ट में याचिका लगाई है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की गिरफ्तारी पर ट्रंप प्रशासन ने कहा कि पहले भी कई बार हाफिज को जेल में डाला जा चुका है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला। ना उसकी और ना ही उसके आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों पर ही लगाम लग सकी। ट्रंप प्रशासन ने यह बात ऐसे समय में की है जब बुधवार को ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस आतंकी को पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है। में आने के बाद द लॉयन किंग इंटरनेट पर लीक हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का ओरिजिनल प्रिंट कई टॉरेंट वेबसाइट पर लीक हो चुका है। डिज्नी की इस क्लासिक फिल्म में शाहरुख खान ने जंगल के राजा मुसाफा की आवाज दी है, वहीं बेटे सिम्बा की आवाज शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने दी है। महिला एशेज में ऑस्ट्रेलिया टीम की ऑलराउंडर एलिस पेरी ने जड़ा शतक। पेरी का टेस्ट क्रिकेट में लगातार दूसरा शतक है। ऐसा करने वाली पेरी दुनिया की चौथी महिला बल्लेबाज हैं। इतना ही नहीं, एलिस पेरी टेस्ट क्रिकेट में लगभग 4 साल बाद आउट हुई हैं। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शुक्रवार को इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में किया प्रवेश। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को मात देकर अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है। 44 मिनट तक चले इस मुकाबले में सिंधु ने 21-14, 21-7 से सीधे गेम में जीत हासिल की। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की विश्व कप जीत के हीरो बेन स्टोक्स को चुना गया न्यूजीलैंडर ऑफ द ईयर। वहीं विश्व कप की उपविजेता टीम न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को सर्वश्रेष्ठ न्यूजीलैंडर चुना गया है। बता दें, स्टोक्स मूल रूप से न्यूजीलैंड के निवासी हैं, उनके पिता अभी भी न्यूजीलैंड में ही रहते हैं। इंग्लैंड के कप्तान यॉन मॉर्गन ने माना कि जिस तरह से वर्ल्ड कप 2019 का समापन हुआ वो उचित नहीं था। मॉर्गन ने कहा कि मैं नहीं समझता कि दोनों टीमों के बीच बहुत कम अंतर होने के बाद उस तरह से खिताब का फैसला करना उचित था। उन्होंने कहा, ऐसा एक पल भी नहीं था जिसकी वजह से मैच में हार झेलनी पड़ी, मुकाबला बराबर का था।